हैं दोस्तों आप लोग। आज मैं आप लोगों को मसाला पूरी बताने वाली हूँ। देखिए इस तरह मैंने सामान लिया है। मैंने एक चम्मच सूजी को गर्म पानी में भिगो कर रख लिया है। इसमें चिली फ्लेक्स मिला लिया है। उसके लिए मुझे लगेगा एक कप मैंने आटा लिया है, 3 आलू लिए हैं, अदरक लिया है, लहसुन लिया है, हरी मिर्ची ली है मैंने, और गर्म मसाला है नमक है चाट मसाला। इसके लिए मैं सबसे पहले इसको मिक्सर के जार में अदरक को और हरी मिर्ची को पीस लेते हैं। इसको पीस लिया है मिक्सी में। इसी में मैं आलू को डाल देती हूँ। ये देखिए आलू को ही पीस कर दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए इस तरह आलू और ये सब मसाला मिक्स हो गया है। इसको निकाल लेते हैं इसी में। इसमें मैंने हरी धनिया डाल दी है और एक नमक है चाट मसाला है। इसमें नमक अपनी इच्छा अनुसार डाल दीजिए। ये मैंने गरम मसाला डाला है थोड़ा सा और इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसमें आटा मिलाते हैं। गेहूं का आटा है 1 कप लिया है मैंने। देखिए इस तरह से पूरा आटा बना लेते हैं और इसको अच्छा बहुत अच्छे से गूंथ करके सॉफ्ट हो जाए जब तक अच्छे से करते हैं। इसके लिए जैसे पूरी का आटा करते हैं इसी तरह आटा करना है आप लोगों को। इतना आलू लेते हैं उसी में इतना आटा डालना है कि थोड़ा सा सख्त हो जाए। हेलो दोस्तों, देखिए मैंने इस तरह पेड़े बना कर रख लिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं। उसके बाद मैंने ये बना के रख लेती हूँ। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हेलो फ्रेंड, देखिए इस तरह बस इस पूड़ी को सेक लेते हैं। इस तरह अगर आप लोगों को भी पसंद आता है तो बनाइए, आप लोग भी टिफिन में रखिए बच्चों के, और मुझे लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए अगले वीडियो के लिए।